हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 7 है। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो कीप पेशेंस। कहा गया है, नजरें बदली तो नजारे बदल गए और किश्ती दे रुक मुड़ा तो किनारे बदल गए। तो आइए इस बात करते हैं, प्यारा सा खूबसूरत सा डायग्राम चंपा। तो देखिए, डायसन को समझने के लिए हम क्या करें, आपके सामने हम लेके आए प्यारे से शक्ति का नाम है चंपा। चंपा को क्या पसंद है, वे गुलाब जामुन पसंद है, इनको खाती है। अब ये खाई है तो इनका कहां कहां कैसे कैसे जाएगा अपन लोग देखेंगे, तो सारा डाइजेशन क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा। तो नोटबुक निकालिए, नोटबुक में नोट्स बनाना शुरू कीजिए मेरे साथ। देखिए, कहानी शुरुआत होती है आपको यहाँ से। सबसे पहले तो देख पा रहे हैं कि आपके इनका हेयर है, आई है, नोज है, ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी को ही अपन लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी। जी हाँ, ओरल कैविटी को ही बोलते हैं बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी को बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा, तो इसका नाम है। ठीक है, तो एक ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या देखते हैं, हम आराम से पढ़ेंगे, अजमजे से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो कोशिश कीजिएगा आगे आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद समय मिला के आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा। ओके, देखिए ओरल कैविटी में क्या क्या होता है। एक ओरल कैविटी के अंदर आप देखते हैं, सबसे पहले आप ऊपर का प्लेट देखते हैं, प्लेट जिसको बोलते हैं तलवा। तलवा दो तरह का होता है, एक होता है हार्ड प्लेट, एक होता है हार्ड प्लेट, और दूसरा क्या होता है सॉफ्ट प्लेट होता है। हार्ड प्लेट और सॉफ्ट पैलेट होता है, कुछ बुक में पैलेट ऐसे भी कुछ भी प्लेट है ना। तो हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट, या हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट, आई थिंक पेट में यही कैसा रहेगा, पी एन हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट। ओके, ध्यान दीजिएगा। देन इसके बाद आप देखते हैं, इसके आपके पास ओरल कैविटी में टीथ दिखता है। क्या दिखता है? टीथ दिखेगा आपको। टीथ के अलावा आप देखेंगे तो आपको टंग दिखेगा। क्या दिखेगा? टंग दिखेगा। टंग के अलावा आप देखेंगे तो आपको माउथ की ओपनिंग दिखेगी। क्या दिखेगी? माउथ ओपनिंग। क्या दिखेगी? माउथ ओपनिंग। इसके अलावा आप प्यारे से देखेंगे चीक, नहीं चीक चीक, कुछ ऐसे सीरीज लेवल के ऐसे चाहिए चीक लिख देते हैं। सोचिए, एक माउथ ओरल कैविटी में इतना कुछ देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं प्लेट है, टीथ है, टंग है, माउथ ओपनिंग है, चीक है। प्लेट में देख पा रहे हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट, टीथ में भी बहुत सारा आप देखेंगे। टीथ में पढ़ाऊंगा आपको कौन कौन सा टीथ होता है, पेशेंस रखिए, एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर होगा। ओके, आप यहाँ पे आइएगा, देखिएगा ये लंबा सा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं आप। ये आपका इसोफेगस है, यहाँ पे बना दिया मैं आपको इस तरह का। दिस इज द इसोफेगस। क्या है? दिस इज द, कुछ बुक में इसको इसोफेगस, इसमें इंक, इसमें इसको इसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसोफेगस, इसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको स्फिंक्टर दिखता है, यहाँ पे आपको स्फिंक्टर दिखता है। दबर आप तो पढ़ेंगे एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर है इसको अपन लोग बोलते हैं कौन सा स्फिंक्टर? कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर को इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक और नाम लिख लीजिए इसको, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये कुछ छोड़ने वाले नहीं है हमको। ठीक है, क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इसोफेजियल, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। एकदम आराम से पढ़ते हैं ना। ओके, आप ये देख रहे हैं आपका स्टोमक है जे सेपेट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोमक आपका जो होता है वो जे सेपेट होता है। अब स्टोमक का तीन हिस्सा है, ऊपर वाले जो हुआ कार्डियक वाला, हंडक वाला, और नीचे पाइलोरिक वाला है ना। सबसे ऊपर देख पा रहे हैं कार्डियक वाला पोर्शन, कार्डियक ई वाला हिस्सा फंडस वाला देख रहे हैं है ना, फंडस, और ये वाला हिस्सा पाइलोरिक वाला देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे आप देखेंगे इसको, मैं यहाँ से करता हूँ पाइलोरिक वाला है ना, पाइलोरिक वाला देख रहे हैं। ठीक है, तो कार्डिया, फंडस, पाइलोरिक।
ओके तो डायग्राम ध्यान देगा। अब इसी से जो है ना, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं कि आपका ये किस तरह का यहाँ पे ये निकलता है आपको क्या आप पैनक्रियाज क्या निकलता है पैनक्रियाज। खैर कोई बात, मार्कर गुस्सा कर लेंगे, यही समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, अब ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये आपका है डुओडिनम। क्या है डुओडिनम? डुओडिनम को पहले ऊपर चलते हैं यहाँ पे। यहाँ आपका जो देख रहे हैं, दिस इज योर पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो दिख रहा है ना डुओडिनम, दिख रहा है सी, ध्यान ध्यान देगा आप इधर देख रहे ना, हम चाहे कैमरा को उसका सही करके दिखा दीजिए, ठीक है, ताकि दिख जीत जाए। हम आप इधर देख रहे ना, जो देख रहे सी से पेड़ है या यू से पेड़, बताइए। ये आप सी से पेड़ देख पा रहे हैं यू से पेड़ है, तो आपको दिखेगा सी से पेड़ है। तो डुओडिनम कौन सा से पेड़ का होता है? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी से पेड़ क्या है? डुओडिनम। क्या है? डुओडिनम, सी से पेड़ डुओडिनम। डुओडिनम से ही हमारा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, आप भूल कहां गए? लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं आप पैनक्रियाज। जी हाँ, अब पैनक्रियाज में मिलती है प्यारी सी डक्ट, जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, है ना। अब पैनक्रियाटिक डक्ट में ही तीन तरह का सेल, कुछ इस तरह का सेल अल्फा सेल, कुछ इस तरह का सेल बीटा सेल, कुछ इस तरह का सेल डेल्टा सेल भरा पड़ा हुआ है हमारा यहाँ, है ना। तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको मैं यहाँ पे। तो ये आपका क्या है? पैनक्रियाज। यहां से देखिएगा इसको, मैं यहीं पे दिखाता हूँ पैनक्रियाज। क्या है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में तीन तरह का सेल है, है ना। इधर डुओडिनम हो गया, अब ये आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में तीन तरह का सेल कौन कौन है? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स, है ना। सेल सेल सेल्स तीन तरह का। अल्फा सेल्स क्या करता है, बीटा सेल्स क्या करता है, डेल्टा सेल्स क्या करता है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। यहां से अब ध्यान दीजिएगा, यहां से कहानी शुरू होती है। देखिएगा कि डुओडिनम जो है, डुओडिनम आगे जाके ये तो सबसे जो देख रहे हैं डुओडिनम जो पहला जो पार्ट था वो था जेजुनम। क्या था? जेजुनम। जेजुनम जो होता है वो लेस कॉइल्ड होता है। क्या होता है? लेस कॉइल्ड होता है, लेस कॉइल्ड, कॉइल्ड होता है लेकिन लेस कॉइल्ड होता है जेजुनम, ओके। अब जो इसके बाद का है जो ज्यादा कॉइल्ड है, ज्यादा कॉइल्ड को बोलते हैं लोग इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम। इलियम जो होता है वो मच क्वाइल होता है। क्या होता है? मच क्वाइल होता है। इलियम मच क्वाइल है, हेलो। इलियम क्या आपका? मच क्वाइल है। जेजुनम आपका लेस क्वाइल है और इलियम आपका मच क्वाइल है। क्या इस पे जाते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से, ठीक है। देखिएगा इलियम, ध्यान समझिए, यहां पे आपको इस तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स होता है, बताते हैं। तो इलियम जो है, इलियम जो है यहां पे आगे घुस रहा है किसमें? इलियम जो घुस रहा है यहाँ पे सिकम, सिकम है ना, इसको बोलते हैं सिकम। क्या बोलते हैं? सिकम। सिकम में क्या होता है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, इलियम जिस भाग के थ्रू, इस इलियम जिस भाग के थ्रू यहाँ खुलता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको हम लोग बोलते हैं इलियोसिकल भाग। दिस इज वेरी गुड। तो ये आपका क्या हो गया? इलियोसिकल भाग। हमने क्या बोला? मैं बोला हूं कि इलियम जो है जिस भाल्व के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है उसको बोलते हैं इलियोसिकल भाल्व बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, हम अब ये जो पूरा देख रहे हैं ना, पूरा पूरा को हम लोग बोलते हैं कोलन। क्या बोलते हैं? कोलन। क्या बोलते हैं? कोलन। कोलन अगर कोलन ऊपर की ओर गया, ध्यान दीजिएगा, कोलन ऊपर की ओर चढ़ा है, देखिए ऊपर की ओर गया है तो क्या बोलेंगे? असेंडिंग कोलन। क्या बोलेंगे? असेंडिंग कोलन। कोलन अगर ऐसे लेट गया है, है ना, देखिएगा इस तरह का नहीं है डायग्राम, थोड़ा सा आपको ये लगेगा लेकिन समझ में आ रहा होगा। देखिए दिस इज द ट्रांसवर्स कोलन। क्या बोलेंगे इसको? इसको
ट्रांसवर्स कोलन, मैं बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ, तो ऊपर गया तो असेंडिंग कोलन, एसी मतलब असेंडिंग कोलन, ऊपर गया तो असेंडिंग कोलन, लेफ्ट गया से हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स, अब नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, दिखाई पड़ रहा हम कहें दिखा यहाँ करेंगे हल्का सा नीचे वाली इंच के लिए, हाँ हल्का सा करेंगे तो क्या हो गया डिसेंडिंग कोलन हो गया। तो एसी टीसी और डीसी हाँ टिपारा सब कुछ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, हाँ राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि एसी ऊपर टीसी लॉन्गिट्यूडनल डीसी नीचे की ओर हो गया, तो एसी टीसी डीसी, एसी टीसी डीसी, एसी का मतलब असेंडिंग कॉलम ऊपर की ओर, टीसी का मतलब ट्रांसवर्स कॉलम, डीसी का मतलब डिसेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम यहाँ पे आ गया क्या रेक्टम दिख रहा है या कोई रेक्टम दिख रहा है, रेक्टम दिख रहा होगा, दिख रहा है ना रेक्टम, आई हो गया क्या एनस, क्या हो गया एनस, बात यही नहीं खत्म होती है, बात खत्म यही नहीं होती है, बात यहाँ इसमें खत्म नहीं होती है क्योंकि इसमें बहुत सारा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसको आप बोल रहे हैं क्या अपेंडिक्स, क्या बोल रहे हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन जिसको आप बोलते हैं क्या अपेंडिक्स, अपेंडिक्स अपेंडिक्स आपके बॉडी में होता है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, सब कोई गर्व नहीं होता है, हम लोग सेलुलोज नहीं खाते हैं, सेलुलोज जो लोग खा लेते हैं घास मूसा खाते हैं उनमें इनका काम होता है फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे ये यह हुआ, फिर उसका देखिए कहानी यहाँ नहीं खत्म भाई, कहानी देखिए यार ना, ये जो आप देख पा रहे हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, पाउच लाइक पाउच लाइक पाउच लाइक पाउच लाइक दिख रहा है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं होस्ट्रा, क्या बोलते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं होस्ट्रा, क्या बोलते हैं होस्ट्रा, H A U S T R, थोड़ा सा डायग्राम आपको लगेगा लेकिन हम समझा रहे आराम से समझिएगा एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होस्ट्रा बोलते हैं, पता आइस में बैंडे लाइक पट्टी नुमा स्ट्रक्चर रहता है, पट्टी नुमा स्ट्रक्चर से बना हुआ देखिएगा, पट्टी नुमा स्ट्रक्चर है, पट्टी नुमा का स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या टीनिया कोलाई, क्या बोलते हैं टीनिया कोलाई, टीनिया कोलाई, टीनिया कोलाई क्या करता है बेसिकली होस्टर को कोलैप्स होने की नहीं देता है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टीनिया कोलाई हो गया। तो उसके अलावा टीनिया कोलाई आगे देते हैं आईएस नाम है, चलिए बस समझाइए तो फिर शुरू से पढ़ देते हैं ऊपर से है ना, देखिए शुरू से हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हमें थोड़ा सा डायग्राम में ज्यादा हो गया होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बनाने की कोशिश करता हूँ। आप देख पा रहे हैं डायग्राम है, डायग्राम से पहले हेयर दिख रहा है, आई दिखा, नोज दिखा, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी को ही बोलते हैं माउथ कैविटी, माउथ कैविटी में आपने देखा प्लेट देखा, प्लेट में हार्ड प्लेट देखा, सॉफ्ट प्लेट देखा, सॉफ्ट प्लेट से जो है आगे जाके निकलता है इहुला, क्या निकलता है इहुला, जो हार्ड प्लेट का मतलब जो ऊपर देते हैं ना खुदरा खुदरा जैसा इसे फिंगर डालेंगे ऊपर तो आपको गुदड़ी टाइप का पड़ेगा है ना, तो वो क्या हो गया हार्ड प्लेट हो गया, और सॉफ्ट प्लेट आगे जाके इहुला जो हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आप घर में देखिएगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं आप अंदर से खाना खा रहे हैं आराम से मजे से खाना खा रहे हैं और दादाजी देख रहे हैं बेसिक में जा करके फिंगर डाल करके और कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं अपने फिंगर से युगला को स्टिमुलेट कर रहे हैं, और युगला स्टिमुलेट करने से रिफ्लेक्स आ रहा है इसलिए आपको अजीब का आवाज फील होता है आपको है ना। तो ये प्लेट हार्ड प्लेट सॉफ्ट प्लेट हो गया, इसमें टीथ आएगा, टीथ भी पढ़ेंगे हम लोग, हाउ मेनी टाइप ऑफ टीथ, फंक्शन ऑफ टीथ पढ़ेंगे, टीथ का फॉर्मूला पढ़ेंगे सब इसमें आएगा, टंग टंग के बारे में पढ़ेंगे, टंग क्या होता है, टंग मोवेबल होता है मस्कुलर ऑर्गन है उसमें टेस्ट कैसे होता है वो काम पढ़ेंगे, चीक के बारे में पढ़ेंगे देखेंगे। तो ये ओरल कैविटी में आ गया, चलिए इसोफेगस आया, इसोफेगस ध्यान दीजिए इसकी विभिन्न इंपोर्टेंट, इसोफेगस जिसके थ्रू खून जा रहा है उसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, क्या बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, और कार्डियक स्फिंक्टर का एक और नाम है क्या गैस्ट्रो ओसोफेगियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब हो गया, इसोफेगस इसोफेगस स्फिंक्टर मतलब यहां पे ये खुला इसको बोलते हैं गैस्ट्रो ओसोफेगियल स्फिंक्टर, फिर यहां पे ऊपर स्टमक है, स्टमक हमारा जे जे से पेड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टमक का तीन पार्ट फंडस वाले पाइलोरिक वाले पैनक्रियाज वाले, इसके अलावा देखे हैं पाइलोरिक 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 जो है खुल रहा है कहां डुओडिनम में, डुओडिनम में डुओडिनम सी सेपरेट होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, तो कार्डियक स्फिंक्टर पाइलोरिक स्फिंक्टर, अब डुओडिनम सी अटैच है क्या लीफ लाइक,
लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं हम लोग पैनक्रियाज। पैनक्रियाज 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 में आपको इस बेसिकली ये सेल अंदर है, अंदर 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 है ना। तीन तरह का सेल, अल्फा वाली सेल, बीटा वाली सेल और डेल्टा वाली सेल दिख रहा है। मैं लिखा दिया पैनक्रियाज में तीन, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल हो गया। उसके अलावा देखिए आप जो आपका डुओडेनम है, डुओडेनम आगे जाके कन्वर्ट हो गया किसमें, जेजुनम। क्या हो गया? जेजुनम। जेजुनम आपका लेस कॉइल था, फिर जेजुनम आगे जाकर के कल इलियम हो गया, इलियम आपका मच कॉइल था। फिर इलियम आके खुल रहा था कहां, लार्ज इंटेस्टाइन में। इलियम आके खुल रहा था लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको आप बोल रहे थे क्या सिकम, जिसको आप बोल रहे थे सिकम, तो जिसका थ्रू खुला, जिसका थ्रू को उसको बोलते हैं इंडोसिकल भाग। ध्यान देगा भाग और स्पिंडल में अंतर होता है। भाग जो होता है वो यूनि डायरेक्शन होता है और स्पिंडल मल्टी डायरेक्शन होता है। इसे देखिएगा जब आपको रिफ्लेक्सेशन आती है, वोमिट करते हैं, तो ये भाग खुल जाता है और अंदर का मटेरियल बल बल ऊपर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यही बात आप जब पढ़ेंगे हमसे बाइक का स्पीड भार, ट्राई का स्पीड भार, तो वहां भी क्या होता है यू डायरेक्शन होता है हार्ट का पंप, ना कि वो प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड मिल रहा है, सब कचरा हो जाएगा। तो नेचर ने जो भी बनाया है काफी खूबसूरत बनाया है, काफी अच्छा बनाया है। थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं क्या, आराम आराम से सूर्य पे है ना, आराम से पढ़ो भाई, इतना प्यार से चंपा को समझा रहे हैं यार। ध्यान से पढ़िए, समझिए बातों को, आखिर किसके लिए काम कर रहे हैं, आप ही लोग काम कर रहे हैं ना, है ना। आप अच्छे से समझिए बातों को, दिखेंगे क्लियर कॉन्सेप्ट। ओके तो हम कहां थे, हम थे यहां, हम कह रहे थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में घुस रहा है, जिसके थ्रू खुल रहा है, उसको बोलते हैं इलियोसिकल भाग। इलियो मतलब इलियम, सिकल मतलब सिकल में आकर खुला। अब भाग तो भाग, भाग में यूडायरेक्शनल है। फिर उस बाद ऊपर खुल गया, उसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन। ऐसे हो गया ट्रांसवर्स नीचे डिसेंडिंग कोलन। इसमें पॉज लाइक स्ट्रक्चर था, इसको बोले हम लोग होस्ट्रा। क्या बोले? होस्ट्रा। ऑस्ट्रा में देखें लार्ज इंटेस्टाइन देखें बेंडिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं हम लोग टीनिया कोलाई, जो बाद में हुई है। फिर यहीं से हमको लार्ज इंटेस्टाइन से एक वेस्टिजियल ऑर्गन दिखा, जिसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन अपेंडिक्स। कुछ लोगों में अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, जिसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। नहीं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है पे अपेंडिसाइटिस वगैरह हो जाता है। क्या होता है? अपेंडिक्स अपेंडिसाइटिस वगैरह हो जाता है वहां पे, तो इसको याद रखिएगा अपेंडिसाइटिस हो गया यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए अपेंडिक्स से ऊपर गया तो क्या बोले असेंडिंग कॉलम, ऐसे के बाद ट्रांसवर्स कॉलम, नीचे गया डिसेंडिंग कॉलम। फिर यहां पे देखें डिसेंडिंग कॉलम में यहां है रेक्टम। क्या है? रेक्टम। रेक्टम रेक्टम में टेम्पोररी अनडाइजेस्टेड, जिसको बोलते फीकल मैटर, वो रहता है कहां? रेक्टम में रहता है। दिख रहा होगा यहां पे आपको, दिख रहा है ना यहां पे रेक्टम। फिर यहाँ पे एनस के थ्रू क्या हो गया? एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड था फिकल मटेरियल क्या हो गया? बाहर आ गया एनस के बाद आ गया बाहर। तो आपने देखा डायग्राम, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम। अब इसमें आपको कंफ्यूजन कहां होता है, मैं यहां थोड़ा सा लाइन देता हूं। अ स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंफ्यूज किया यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन कहां शुरू होता है, तो कुछ लोग देखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे क्या कि जेजुनम इलियम से भी, नहीं, गलत। स्मॉल इंटेस्टाइन पाइलोरी जो है स्मॉल का हिस्सा है, रखिएगा पाइलोरी स्मॉल का हिस्सा है। पाइलोरी का आएगा डुओडेनम आएगा, ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, डुओडेनम आएगा। फिर इसके अलावा डुओडेनम पर जेजुनम आएगा, जेजुनम आएगा। फिर आप देखेंगे इलियम आएगा, सब स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। फिर देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, क्या देखेंगे आप यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या देखेंगे? कोलन देखेंगे, कोलन देखेंगे, कोलन में दोनों देखेंगे, असेंडिंग कोलन भी देखेंगे, असेंडिंग कोलन देखेंगे, ट्रांसवर्स कोलन देखेंगे, डिसेंडिंग कोलन देखेंगे। फिर इसके बाद आप रेक्टम देखेंगे, है ना। फिर आप यहाँ पे एनस को देखेंगे, है कि नहीं, यहाँ पे एनस को मतलब वॉलंटरी देखेंगे, और ये वॉलंटरी देखेंगे यहाँ भी होता है, तभी तो कुछ मतलब रुक पाते हैं। तो आई थिंक दिखा है थोड़ा सा डायग्राम, आप अच्छे से कर दीजिए यहाँ पे, तो आपको समझ में आ गया डायग्राम को अच्छे से करके, ताकि आप डायग्राम क्या हो जाए, अच्छे से डायग्राम को बनाइए, नोट्स बनाइए। देखिए बार देखिए एकदम सूर दिखाता हूँ मैं आपको डायग्राम, ए रहा डायग्राम, ए रहा डायग्राम, आप देख पा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कितना मस्त डायग्राम बनाया है, आपके लिए काम किया हूं मैं, है ना, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। अगर आपको एक छोटा सा एपिसोड आपको पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो वीडियो में क्या करें, अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।